बैठ करके अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो टीचर है उसका अभी फ्रेश 10 मिनट का ब्रेक चल रहा है, तो सभी बच्चे अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कुछ बच्चे वॉशरूम वगैरह गए हुए हैं, तो ये एक लेक्चर रूम लेक्चर हॉल है, अभी आपको दिखाते हैं लेक्चर कुछ करें। उसके अलावा है माइक्रोबायोलॉजी लैब, इसमें भी अभी क्लासेस चल रही है। डॉक्टर नसीर सर हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहे हैं सेकेंड ईयर में, वो भी प्रैक्टिकल करा रहे हैं वायरस के बारे में। उसके अलावा ये हमारे वाइस डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पूरा एक जो मैनेजमेंट है उनको कैसे बच्चों को हैंडल करना है, कौन से बच्चों को क्लास कब लगाना है, ये पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। डॉक्टर अरविंद सर यहाँ के हेड हैं और वो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये 313 रूम है, इसमें हमारे मेडिकल ऑर्गन्स रखे हुए हैं, मेडिकल बॉडीज और डमी बॉडीज होती है वो रखी हुई है। पूरे पूरे जो MBBS की स्टडी है उसमें जो सेकंड ईयर है उसमें आपको कैथराइजेशन, यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन और उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल्स होते हैं। अंदर अभी कुछ बच्चे हैं जो जिनके अभी टीचर्स अभी आने वाले हैं 10 मिनट का, जैसे अभी बताया मैंने ब्रेक चल रहा है, उसके बाद जब टीचर आएंगे तो वो इन लोगों को कराने वाले हैं। आइए रूम नंबर 313। डीज आर डमीज, ये सभी डमीज हैं। सबसे पहले मैं आपको कैथराइजेशन दिखा देता हूँ बच्चों को, मेल कैथराइजेशन करना बताते हैं हम आप लोगों को। इधर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेल कैथराइजेशन करना है, किस कंडीशन में हमें मेल कैथराइजेशन करना पड़ता है। मान लो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें जो या फिर यूरेथ्रा है उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है या फिर उसमें पेन वगैरह हो रहा है, तो हमें जो उसको क्लीन करना होता है अंदर से। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले एक इस टाइप का एक प्रॉप होता है, वो अभी जो मटेरियल है वो सर के अंडर में है, सर जब अभी जब आएंगे तो वो लेकर के आएंगे। ऐसे एक प्रॉप होता है, उस प्रॉप को सबसे पहले आपको अपने ग्लव्स पहनने हैं, पूरे सैनिटाइज करके ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद आपको जो ये पूरा एरिया है उसको क्लीन करना होता है। पूरे एरिया क्लीन करने के बाद आपको प्रॉप लेना है, राइट हैंड साइड से आपको जो ये पेनिस है इसको पकड़ के इसको बिल्कुल स्लोली पहले इसको क्लीन करने के बाद इसको क्या बोलते हैं इसको सर। अभी हम लोग आते हैं सर फ्लोर पे, ये हमारा एक लेक्चर हॉल है जिसमें एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, तीन ग्रुप के बच्चे एक साथ मिलकर के पढ़ाई कर सकते हैं। एक साथ बैठकर जो लेक्चर होता है मेडिकल की पढ़ाई दो फेजों में होती है, एक होता है लेक्चर एक हफ्ते में और एक होता है सेमिनार। लेक्चर में ऐसा होता है कि पूरे जो पूरा जो हफ्ता है पूरा जो वीक है उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सेमिनार्स में अलग अलग ग्रुप को सेपरेट ग्रुप को क्या पढ़ाया जाएगा वो आपको मंडे के दिन पूरे एक लेक्चर में समझा दिया जाता है, तीन चार ग्रुप को एक जगह बताया जाता है। पूरा लेक्चर हो गया, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होंगे, उसके बाद आपके सेमिनार्स होंगे। सेमिनार्स में जो आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है उसका पूछा जाता है उसमें सेमिनार्स में, तो टेस्ट जैसा होगा। हाँ टेस्ट जैसा होता है, पहले लेक्चर हो जाता है उसके बाद पूरे हफ्ते आपको प्रैक्टिकल से जो भी है वो आपका सारा कुछ चलता है। और सर फ्लोर में आपको विजिट करता हूँ, आइए सर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये टॉयलेट्स हैं बच्चों के, जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसके लिए पूरा सेपरेट है। ये सेमिनार रूम्स हैं, ये छोटे रूम्स हैं, इसमें एक बार में एक बच्चा बैठ कर भी पढ़ता है। लाइब्रेरी जैसा? हाँ लाइब्रेरी जैसा। सेमिनार्स लगते हैं अलग अलग ग्रुप के, उसके बाद ये सारे सेमिनार रूम हैं सारा कुछ, जैसे मैं आपको दिखाऊँ सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्टडी होता है, सारा कुछ प्रोजेक्ट के द्वारा सभी PPT हैं जो जितना भी सारा कुछ है सारा इलेक्ट्रॉनिक बेस है। उसके अलावा आपको जो नॉर्मल अपना बेस होता है बोर्ड एंड चौक वाला वो भी सारा कुछ बेस करोगे इससे। देख पा रहे हैं इधर हमारा लैब भी है और जो लाइब्रेरी है, उसके अलावा सेल्फ स्टडी रूम है एक अलग से, चार बच्चे बैठ करके हर एक फ्लोर पे एक ऐसा रूम है सेल्फ स्टडी रूम, चार पांच बच्चे बैठ कर अंदर अपना पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा अपना पढ़ाई करते हैं, जितने हमारे पढ़ाई कुछ डाउट्स आते हैं तो शाम को अपने टीचर के पास जाकर के सॉल्व करते हैं। देखिए एक बार सर, ये हमारा मेडिकल रूम है। बाय द वे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर किसी को कोई किसी का जैसे कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी कोई डिजीज वगैरह हो जाती है उसको या फिर इन्फेक्शन वगैरह होता है या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो सर ये मेडिकल रूम है। हमारा
उसके अलावा सारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं कुछ प्रैक्टिकल्स जिनको यहाँ पे ट्रेन करके सिखाया जाता है वो सारे प्रैक्टिकल्स भी यहीं पे किए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल जितने प्रैक्टिकल्स होते हैं सारे किए जाते हैं। सर अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, जैसे कि हर एक फ्लोर पे लेक्चर होने पड़ा। उसके बाद सभी एक छोटे छोटे रूम्स हैं जिसमें सेमिनार्स रूम जिनको बोला जाता है। उसके अलावा सेकंड फ्लोर पर हमारा एस्ट्रोलॉजी लैब है जो कि अभी लॉकड है, अंदर अभी क्लासेस चल रहा है, प्रैक्टिकल चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। ये स्मार्ट मेडिसिन आई टी रूम है, इसमें भी अंदर अभी क्लासेस चल रही है तो अब इसको नहीं बोल सकते हैं। अभी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री लैब है जो अभी फ्री है और जो इसमें क्लासेस नहीं चल रही हैं। ये हमारा बायोकेमिस्ट्री लैब है सर, इधर पूरा जो माइक्रोस्कोपिक बेसिस होता है जो मतलब किसी पेशेंट को जो ट्रीट करने से पहले उसका जो कुछ भी टेस्ट करना होता है, जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं लाइक यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है और भी अदर प्रकार जो टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, वोमिट टेस्ट है, वो सारे टेस्ट हम सर इसी बायोकेमिस्ट्री लैब में अंदर करते हैं। ये सारा इसके जो लैब के अकॉर्डिंग जो लैब में सामान चाहिए होता है हमें, लाइक जो बल्ब है या फिर जो जो सैंपल पॉकेट है, उसके अलावा स्लाइड्स हैं, जितना भी सब आइटम है वो हमें आता है और पूरे एक प्रॉपर टीचर हो गए उनके क्लास में वो सर हमें एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या करना होता है। सर के अंडर में है इस वजह से हम अभी जो कैथराइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर सकते, बाकी अभी सर आएंगे तो उनके बाद जो कैथराइजेशन की प्रोसेस पूरी होगी। इसी तरीके से ये फीमेल है, फीमेल ऑर्गन है, फीमेल ऑर्गन के साथ भी करना होता है, मेल ऑर्गन के साथ, दोनों में आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। उसके अलावा सीपीआर देना होता है तो वो इस डमी पर दिया जाता है, इधर भी डमीज हैं जिन पर सीपीआर दिया जाता है। आपको इंट्रावेनस जो इंजेक्शन देने होते हैं वो सभी इंट्रावेनस इंजेक्शन आपको इस वाले जो ऑर्नामेंट्स हैं इन पर आपको सिखाए जाते हैं। ये सभी सीपीआर के लिए जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सूचर्स होते हैं, वो सारे सूचर्स इस वाली बॉडी पर आपको सिखाए जाएंगे, आपके बल बताए जाएंगे आगे। ये सारा हमारा एक वेल प्रिपेयर्ड एनाटॉमी रूम है।